हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे हम MPPGCL के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें की सहायक अभियंता के लिए पोस्ट निकाली गई है, जिसमें की टोटल 44 पोस्टें हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से जो है हम आपको जानकारी देने वाले हैं और बतलाने वाले हैं किस प्रकार से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं और कितने पोस्ट हैं, इसकी जो है आपको इसकी जानकारी मिलने वाली है और कब से इसके लिए जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो है आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बतला देते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा अभियंता सहायक अभियंता के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, इसमें कौन कौन से पद हैं और कौन कौन लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा जो है एक रिक्वायरमेंट निकाली गई, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन यहाँ पे हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, यह जो है सहायक अभियंता के लिए निकाली गई, ये वाला जो आप देख रहे हैं सहायक अभियंता, जिसमें जो है हमें तीन टाइप के जो है अलग अलग सहायक अभियंताओं की जरूरत पड़ने वाली। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं पद का नाम, पहला ये वाला सहायक अभियंता मैकेनिकल, मतलब किसमें जो है मैकेनिकल ब्रांच वाले जो इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप यहाँ नीचे देख सकते हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, इसे मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच वाले जो स्टूडेंट हैं वह इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और पहला जो आप देख रहे थे मैकेनिकल के लिए, और तीसरा वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है वो जो है इसके लिए पात्र होंगे और आवेदन कर सकते हैं। हम बात करें सहायक अभियंता उत्पादक मैकेनिकल वाले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो है हमें जर्नल से कितने पोस्ट दिखलाई दे रहे हैं। जर्नल में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 5 पोस्ट दिखलाई दे रहे हैं। एससी वाले यहाँ पे जो है 2 पोस्ट यहाँ पे दिखलाई दे रहे हैं। एसटी वाले आप देख सकते हैं 3 पोस्ट दिखलाई दे रहे हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे टोटल 13 आपको यहाँ पे पोस्ट मिलने वाले हैं। ये जो है सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए जो है अभ्यर्थी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हम यहां पे देख सकते हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले आप जर्नल वाले देख सकते हैं यहां पे हमें 4 पोस्ट दिखलाई दे रहे हैं। एससी वाले आप यहां पे देख सकते हैं 2 पोस्ट हमें यहां दिखलाई दे रहे हैं। एसटी वालों का यहां पे 3 जो है पद यहां दिखलाई दे रहे हैं। ओबीसी वाले के 4 पद दिखलाई दे रहे हैं। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 15 यहाँ पे पद खाली है, जिनकी आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से की हुई है वह इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 15 पोस्ट यहाँ पे आपको दिखलाई दे रही हैं। वहीं आप देखेंगे यहाँ पे सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, तो इसमें आप पद देख सकते हैं जर्नल वालों के यहाँ हमें 5 पद दिखलाई दे रहे हैं। वहीं एससी वाले के यहाँ हमें 2 पद दिखलाई दे रहे हैं। एसटी वालों का यहाँ पर भी 3 आपको पद देखने के लिए मिल रहे हैं, और जो ओबीसी वाले हैं उनका भी 4 पद आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, और ईडब्ल्यूएस से जो है बस 2 पद यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे जो है टोटल 16 पद आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो आप देख सकते हैं आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मतलब की सीबीटी बेस्ड आपका इसमें जो है एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका इसमें होने वाला है, और सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका जो है इसमें किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित जो आपकी परीक्षा होगी 100 अंकों की होने वाली है। आपको याद रखना है सीबीटी टेस्ट जो आपका होगा वह जो है 100 अंकों का होने वाला है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा, जिसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक का जो है बहुविकल्पीय होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं दिव्यांग जन हेतु आरक्षित जो पदों के विरुद्ध आवेदकों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, मतलब जो दिव्यांग जन इसके लिए आवेदन करने वाले हैं उनका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू से आशा यह है कि यदि आवेदक विज्ञापित पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव रखता है तो ऐसे आवेदकों का चयन निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर
और मेरिट के अनुसार आवेदकों के दस्तावेजों के सफल सत्यापन के उपरांत देने हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। दिव्यांगजन आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT टेस्ट में सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भी भाग लें। मतलब कि उनका जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से तो किया जाएगा, लेकिन उन्हें जो है कंप्यूटर बेस्ड CBT जो टेस्ट होगा उसमें भी जो है वह भाग ले सकते हैं और उस माध्यम से भी वो अपनी परीक्षा दे सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले नंबर पर मैं दिखलाई दे रहा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। मतलब कि जो परीक्षा लिया जाएगा CBT टेस्ट लिया जाएगा यह मध्य प्रदेश के जो भी शहर है उनके अंदर ही रहने वाला है। वहीं हम इसके अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार शहरों की वरीयता के आधार पर चयन करना होगा। मतलब कि जब आप इसके लिए आवेदन करेंगे आपको जो है मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न शहरों के नाम दिखलाए देंगे, आपको जो पसंद हो शहर उसके अनुसार जो है आपको अलग अलग शहरों का चयन यहाँ पे करना होगा। फिर आप आगे देख सकते हैं आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने की संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि यदि आप आवेदन भरते समय जो भी परीक्षा शहर चयन कर रहे हैं उसका आपको अच्छे से सोच विचार का चयन कर लेना है, क्योंकि यदि आपने जो है आवेदन जमा कर दिया उसके बाद जो है आप परीक्षा के शहरों में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। भाई आप यहां देख सकते हैं आगे आवेदक द्वारा चुने हुए परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि आपने जो परीक्षा केंद्र चुना हुआ है उसमें उसका आवंटन आप देख सकते हैं परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों की क्षमता और उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। मतलब जिस शहर में जो भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा उसकी क्षमता क्या है, उनके पास कितने कंप्यूटर लैब उपलब्ध, उसके अनुसार ही जो है उतने बच्चों को उन शहरों में परीक्षा दिलाई जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे अगला तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश पौजाकाली का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मतलब कि परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन संबंधी में जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का जो निर्णय अंतिम है वही स्वीकारार्थ और बाध्यकारी होगा। हमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा मोबाइल फोन टैबलेट डिजिटल डायरी किताबें इत्यादि का प्रवेश एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तो आपको याद रखना है जब आप परीक्षा देने यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है अपना मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, डिजिटल डायरी हो गई, क्रोमबुक आदि किताबें हो गई, ये सब का जो है आपको प्रवेश यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतलब आप ये सब चीजें अपने साथ परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा पाएंगे। आवेदक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व ई प्रवेश पत्र में दिए गए अनुदेशों के कर ले सक्षमता के साथ अध्ययन कर ले। मतलब कि आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें जो है आपको टर्म्स और कंडीशन दिए रहेंगे, आपको अच्छे से उनको अध्ययन करके ही परीक्षा केंद्र में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करने में हमें शुल्क कितना लगने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जर्नल वर्ग के जो लोग हैं उन्हें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200 रुपए लगने वाला है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी ST अनुसूचित ST OBC और दिव्यांगजन है जो EWS वाले आवेदक है उन्हें जो है इसमें 600 रुपए लगने वाला है। तो आपको यहाँ पे फीस का क्लियर हो गया होगा कि आप जब इसके लिए आवेदन करेंगे तो जो हमारे जनरल कास्ट के अभ्यर्थी होंगे उन्हें जो है आप देख सकते हैं 1200 रुपए लगने वाला है, ST SC OBC EWS और जो दिव्यांगजन है उन्हें जो है इसमें 600 रुपए का भुगतान करना होगा। देख सकते हैं ये हमें दिखला रहा है शुल्क नॉन रिफंडेबल है। मतलब कि आप जो एक बार यहाँ पे कर देंगे या किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार आपने इसके लिए आवेदन करते समय पेमेंट अगर कर दिया तो यह जो है किसी भी स्थिति में आपको फिर दोबारा से वापस नहीं मिलने वाला है। नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं या फिर कोई भी UPI ID हो गई, गूगल पे, पेटीएम वगैरह हो गया, फोन पे वगैरह हो गया, इसके माध्यम से भी जो है आप इसके लिए आवेदन के लिए अपना ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क कटवा सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से MP ऑनलाइन की वेबसाइट, आप ये वाला जो लिंक देख रहे हैं इस वाले लिंक के ऊपर भी जाकर आप अपने कंप्यूटर में खोल के या अपने टैबलेट में खोल के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर एक और लिंक आप देख रहे हैं ये वाला जो देख रहे हैं www.iformsmponline.gov.in
आपको यहाँ पे दो लिंक दिखलाई दे रहे हैं, इनके माध्यम से भी जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। चेक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाना आवश्यक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं। दसवीं की अंक सूची की आवश्यकता आपको इसमें पड़ने वाली है। फिर अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतलब यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको जो है आपका स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा, इसकी भी आपको आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। फिर यही आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्गों के आवेदकों हेतु, मतलब यदि आप ओबीसी एसटी एससी से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास जो है आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। फिर अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की भी इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं आप अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांगजन, मतलब ऐसे आवेदक जो कि दिव्यांगजन है आवेदन करना चाह रहे हैं तो उन्हें जो है उनकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की भी इसमें आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। परिशिष्ट एक के अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, मतलब आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उससे संबंधित आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसकी भी आपको इसमें अंक सूची लगने वाली है, और आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और आप अगला देख सकते हैं आवेदक का नवीनतम छायाचित्र, मतलब कि आपकी प्रेजेंट की जो फोटो है वह भी आपको इसमें लगने वाली है। आवेदक का हस्ताक्षर, मतलब कि इसमें आपका साइन की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और मान लो आप आयु सीमा में कुछ छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वह भी आपको लगने वाले हैं, तो यहाँ आपको क्लियर कर लेना है। आप देख सकते हैं आपको इतने ये सब चीजें तैयार करके रख लेने हैं, दस्तावेज तैयार करके रख लेने हैं, उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, तो आप यहाँ देख रहे हैं आवेदन स्टार्ट हो चुका है 22 अक्टूबर 2024 से, और ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20/11 मतलब 20 नवंबर 2024, तो आपको यह तिथियां याद रख लेनी है। आप देख सकते हैं आपका जो आवेदन स्टार्ट हो गया है 22 अक्टूबर से जो इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और 20 नवंबर 2024 तक यह होने वाले हैं, तो इसके बीच में जो है आपको यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप आवेदन कर देते हैं तो आपको जो है यह एक वेबसाइट जो लिंक दिया हुआ है www.iformmponline.gov.in, दोस्तों आपको इसी वाले लिंक के माध्यम से जो है आप अपना आवेदन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदकों को ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई अथवा परेशानी उत्पन्न होती है तो आप ये नंबर देख रहे हैं, मान लो आपको आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड करते नहीं बन रहा या किसी कारणवश आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर 9175672000 इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव, दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यदि आप सहायक अभियंता मैकेनिकल पद कोड इसका 01 है, इसके लिए जो है आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं AICTI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE, BTEC अथवा AMI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। यदि आप सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो एक बार फिर से आपको बतला दे रहे हैं, आप देख सकते हैं AICTI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BE, BTEC अथवा AMI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल ये वाला, इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें भी आप देख सकते हैं सेम ही है, इसमें भी AICTI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BE, BTEC अथवा AMI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।
एक बार फिर से आपको यहाँ पे हम बतला दे रहे हैं, AICTCI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BE, BTEC अथवा AMI डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तब जो है आप सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर पर जो देख सकते हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला जो देख रहे हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए जो है आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो यहाँ भी वैसा ही है, AICTI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेक्ल्यूमेकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BE, BTEC अथवा AMI डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपको देख लेना अच्छे से, आप चाहें तो इसका अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। जो है आपको अनुभव प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुभव आपको क्या होना चाहिए, आप देख लीजिए यहाँ पे उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य अथवा केंद्र सरकार की PSU अथवा IPP जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है, मैं ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो कि संचालन एवं रखरखाव में, आप यहां देख सकते हैं विद्युत उत्पादन इकाइयां जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या इससे अधिक हो कि संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना अनिवार्य है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं सहायक अभियंता यंत्री के समतुल्य अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, मतलब कि जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं वहीं पे सहायक अभियंता यंत्री समतुल्य या उससे उच्च पद का जो है आपके पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, अथवा आपके पास यदि यह नहीं है तो आप अगला देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता यंत्री संवर्ग पर न्यूनतम 9 वर्ष का कार्य अनुभव इसमें आपके पास होना चाहिए। उपरोक्त हेतु आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए जाना अनिवार्य है, मतलब कि यदि आप उसके लिए आवेदन कर रहे हैं इन पोस्टों के लिए तो आपके पास जो है आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए और वह जो है अपलोड किया जाना भी अनिवार्य है। आवेदक की उम्मीदवारी उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के अध्ययन होगी, मतलब कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र जब देख लिया जाएगा उसका सत्यापन कर लिया जाएगा उसके बाद ही आप समझे आपकी जो है वहां पे उम्मीदवारी हो सकती है, आपका नाम आ सकता है। आयु सीमा की अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में न्यूनतम जो है आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, तो यह आपको याद रखना है। आप यदि आवेदन करना सोच रहे हैं तो आपकी जो है न्यूनतम आयु कम से कम आयु आप 21 वर्ष होना ही चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कि 21 से 40 के अनुसार आपकी आयु यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन एवं नियुक्ति, मतलब चयन और नियुक्ति किस प्रकार से होने वाली है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, मतलब कि आप जो CBT टेस्ट देंगे उसमें जो आपको प्राप्त अंक प्राप्त होंगे उसके अनुसार जो है आपकी मेरिट सूची यहाँ पे तैयार की जाने वाली है और चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, मतलब कि जो चयनित छात्र होंगे उनको श्रेणीवार और वर्गवार के विज्ञापित पदों के अनुपात की आवश्यकता अनुसार उनके दस्तावेजों को सत्यापन करने हेतु उन्हें जो है आमंत्रित किया जाएगा, और जब दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत सफल योग्य आवेदकों को संबंधित पद में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा, मतलब कि जब आपका सत्यापन हो जाएगा और सब उन्हें ठीक लगता है तो आपको जो है संवर्ग पद में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर लिया जाएगा, तो यह इनकी चयन की प्रक्रिया होने वाली है। अब हम यदि प्रशिक्षण की बात करें तो आप देख सकते हैं पदवार प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर यदि कोई हो तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार होने वाली है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान जिस संवर्ग में प्रशिक्षु का चयन किया गया है उसके वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम के बराबर समेकित स्टाइपेंड दिया जाएगा, मतलब कि आपको जो है आपके पद के अनुसार इसमें न्यूनतम के बराबर समेकित स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, और प्रशिक्षण की अवधि को
वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तीन अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक पहला वाला जो है सहायक अभियंता मैकेनिकल, इसमें जो है एक वर्ष किसकी प्रशिक्षण की अवधि रहने वाली है। वहीं दूसरा वाला आप देख सकते हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, इसमें जो है एक वर्ष की रहने वाली है। और जो सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसमें भी जो है एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि रहने वाली। मतलब तीनों में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तीनों में जो है एक एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे यदि हम वेतनमान और अन्य भत्तों की बात करें तो आप देख सकते हैं तीनों में, तीनों के लिए एक सा ही यहाँ पे वेतनमान हमें देखने के लिए मिल रहा है। सहायक अभियंता मैकेनिकल, इसके लिए भी आप देख सकते हैं 56,100 से 177,500 ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी वही है, और सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वही आपको वेतनमान देखने के लिए मिल रहा है। तो तीनों में वेतनमान लगभग समान ही रहने वाला है। देख सकते हैं विज्ञापित पदों में दिव्यांग जन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पद, तो यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षित पद दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले, जो यहाँ पे एक आपको यहाँ पद दिखलाई दे रहा है। वहीं आप देख सकते हैं श्रवण बाधित, बहरे और कम सुनने वाले, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो पद है। अगला आप यहाँ देख सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें की सम्मिलित हैं सेलिब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर आदि जो है, ये भी आप देख सकते हैं जीरो पद है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी, बहुविकलांगता, यहाँ पे भी एक पद में देखने को मिल रहा। मतलब टोटल यहाँ पे दो पद दिव्यांगजनों के लिए रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में लेके आएंगे किस प्रकार से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक भरी वीडियो और रिक्वायरमेंट से संबंधित वीडियो रोज ही आया करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से हम एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।